सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट गुरु में। आज के जो वीडियो है ना, इस वीडियो में बहुत ही खास चीज होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप फेसबुक चलाते हैं तब। क्योंकि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं 2 या 3 साल से, तो आपका डेफिनेटली 2000 या 3000 या फिर 4000 5000 भी फ्रेंड आपके हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐसे होते हैं जिनको आप अनफ्रेंड करना चाहते हैं या फिर वो क्लियर करना चाहते हैं। कितने लोग होते हैं कि एक्टिव ही नहीं होते हैं और आपका फ्रेंड लिस्ट झूठ में ही भरा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बातें करने वाला हूँ किस तरह से आप उन सारे फ्रेंड को एक क्लिक में ही अनफ्रेंड कर सकते हैं। क्या होता है अगर आपके पास 4000 5000 फ्रेंड हो गए हैं और अगर आप एक एक को जाएंगे अनफ्रेंड करने, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम लॉस होता है, बहुत सारा टाइम लगता है और सही से आप अनफ्रेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से एक क्लिक में ही अपने सारे फ्रेंड को जो इनएक्टिव हैं उनको आप बहुत ही आसान तरीके से अनफ्रेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं पॉकेट गुरु जी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने फेसबुक पे और यहां पे आपको दिखाता हूं मेरे कितने फ्रेंड्स हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं फ्रेंड सेक्शन में जाता हूं। ये मैंने न्यू आईडी बनाई है सैंपल के तौर पे, तो इसमें मैंने ऐड किया है 20 फ्रेंड्स। मैं इसको आपको अनफ्रेंड करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कीवी ब्राउज़र। कीवी ब्राउज़र यहाँ पे सर्च कर देना है। यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसको आपको सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, facebook.com पे चले जाना है। facebook पे पहले क्लिक करना है और facebook पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपने facebook आईडी से लॉगिन कर लेना है, आईडी और पासवर्ड से। चलिए मैं भी अपना लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर इसको ओके कर देना है, सेव कर लेना है इसका। सेव करने के बाद सिंपली पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको दिखेगा साइड सेटिंग, साइड सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। साइड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड बाय डिफ़ॉल्ट सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से इसको ओपन मतलब ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको 1 जो यहाँ पे दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा प्लस का ऑप्शन, प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस करने के बाद आपको इसमें चले जाना है, क्रोम लिखना है, CHROME क्रोम वेब स्टोर, इतना लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रोम वेब स्टोर गूगल क्रोम, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन जो यहाँ पे दिखा रहा है सर्च द स्टोर, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है मल्टीपल टूल फॉर फेसबुक। इतना लिख के आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है। गो पे क्लिक कर देना है और गो पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक। यहाँ पे इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, उस पर क्लिक करेंगे आप, ये चेकिंग कर रहा है, यहाँ से सिंपली इसको ओके कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडेड यहाँ पे दिखाने लगा, तो सिंपली हमको चले जाना है किस पे, अपने फेसबुक पे। और फेसबुक पे जाने के बाद इस पर ऊपर क्लिक करना है आईडी पे इसके, और यहाँ से जो एम लिखा है ना, एम को कर देना है वेब और डॉट लगा देना है और फिर इसको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये यह हमारा वेब वर्जन खुल जाएगा फेसबुक का।
तो इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आ जाना है आपको नीचे, यहाँ पे दिखेगा मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्रॉस वाले साइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर देना है। और टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रिमूवर, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये फेसिंग डाटा करेगा, यहाँ पे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो स्टेटस के सामने वाला बॉक्स दिखा रहा है यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, यानी कि यहाँ से क्लिक करते ही ये पूरा हमारे फ्रेंड जो भी हैं सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, यानी मुझे अपना फ्रेंड जीरो कर देना है, पूरा हटा देना है। तो फिर से नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ से आपको वहीं पे बॉक्स पे यहाँ पे चेक कर देना है। चेक करने के बाद ये हमारा दिखा रहा है, अभी ये नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं बस बीसी फ्रेंड थे। तो यहाँ पे सिंपली मुझे बाय बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप फ्रेंड्स और बाय बाय जो दिखा रहा है, बाय बाय पे क्लिक करना है। बाय बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है आर यू श्योर, अनफ्रेंड करना है, 20 फ्रेंड्स हैं मेरे में उसमें। तो यहाँ पे सिंपली मुझे अनफ्रेंड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमूव कर रहा है। तो अभी ये हम देख सकते हैं आप ये फिनिश्ड हो गया है, जॉब्स डन बोल रहा है। फिर हमको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क किया कि नहीं किया, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फेसबुक पे। और यहाँ पे अभी आप मैं चलता हूँ अपने फ्रेंड वाले सेक्शन, मतलब अपने प्रोफाइल पे। और यहाँ पे जो फ्रेंड अभी 20 दिखा रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हैं अभी नो फ्रेंड्स टू शो। तो देखा फ्रेंड्स कि ये कैसे वर्क किया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।